दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है, लोग अपने ड्राइंग रूम में भी इस पे बहस करते हैं, बात करते हैं, भले ही वो अपने बेडरूम में जाकर के इसे भूल जाए। जिस चर्चा की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ इस खेमे बंदी में दो अलग अलग खेमे हुए हैं। आप मैरिटल रेप को लेकर के अपने अलग अलग तर्क देते हैं। भारत में घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है और हाल ही के वर्षों में इसमें काफी तेजी देखी गई है। वहीं वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है, जहां मैरिटल रेप का मतलब है कि अपने पार्टनर के साथ जबरन सेक्स। वैसे तो भारतीय परंपरा में पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है, उनकी हमेशा सुनी जाती है, लेकिन आज के दौर में, आधुनिक दौर में भेदभाव की ये जो खाई है, ये भरती हुई नजर आती है। फिर भी हमारे यहाँ पुरुषों के मुकाबले आज भी महिलाओं को कहीं कहीं नीचा दिखाया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें उनके खिलाफ जो वायलेंस है वो रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। कुछ सवाल है, मसलन क्या शादी अपने साथ कोई कंपल्शन लेके आती है? क्या कोई बाउंडेशन है कि हर चीज हर बात हमें पति की माननी है? क्या मैरिज के बाद हम अपने पार्टनर से उम्मीदें रखने लगते हैं, जो मजबूरी में हाँ मिलाने को हमें बाध्य कर देता है? इसी वजह से, इन सवालों की वजह से आपसी संबंधों में दरार आने लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी इन रिश्तों में एक सड़ान सी पैदा होने लगती है। वहीं कुछ सर्वे, कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि शादीशुदा महिलाएं इस वैवाहिक रेप की शिकार होती हैं। आज स्थिति बेहद डरावनी है। जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में 29% महिलाएं किसी न किसी रूप में अपने पति की यौन हिंसा का शिकार होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पूरी बात का जिक्र क्यों किया। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को, यानी कि ये जो 20 जनवरी गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई हो रही थी, जिसमें पति द्वारा उनकी पत्नी के साथ जबरन सेक्स को जायज ठहराया जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता यानी कि पत्नी ने आईपीसी की धारा 375(2) के तहत इसे मैरिटल रेप का कसूरवार ठहराते हुए कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये अपराध है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। वहीं धारा 375(2) में एक शादीशुदा कपल के बीच सेक्स को ही तवज्जो दी गई है। वहीं इस मामले में वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति राजीव सकदर और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ से ये कहा है कि आईपीसी की धारा 375(2) को हटाया जाए, इसके साथ ही मैरिटल रेप के लिए कानूनी सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे अनगिनत लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के साथ सेक्स के लिए 15 साल को 18 साल के रूप में पढ़ा था, जिसमें 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाने को ही रेप माना गया था। आज के समय में दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन दुखद है, भारत विश्व के उन 36 देशों में से एक है जहां मैरिटल रेप को आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो दोस्तों, ये बेहद बेहद गंभीर मुद्दा है। आप क्या कहते हैं इसमें? क्या बेडरूम में पत्नी की मर्जी नहीं चलनी चाहिए, पति की ही मर्जी चलनी चाहिए? क्या पत्नी ये सदियों तक सहती चली जाए? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप अपनी जो कीमती राय है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।